दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं महिला क्रिकेट की सचिन कहे जाने वाली टीम इंडिया की कप्तान मिताली राज की, जिनके नाम आज के समय में बहुत सारे अद्भुत रिकॉर्ड्स हैं। हाँ, यह अलग बात है कि भारतीय मीडिया का ध्यान पुरुष टीम से कभी महिला टीम पर गया ही नहीं, इसीलिए शायद हमें भी महिला क्रिकेट के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। दोस्तों, मिताली इस समय अपना 5वां वर्ल्ड कप खेल रही हैं और वे करीब 12 साल से टीम इंडिया की कप्तान हैं। वे विश्व की दूसरी ऐसी महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने वनडे क्रिकेट में 5,500 रनों का आंकड़ा पार किया है। इसके अलावा लगातार 7 बार अर्धशतक लगाने वाली वह विश्व की पहली खिलाड़ी हैं। दोस्तों, मिताली का जन्म 3 दिसंबर 1982 को राजस्थान के जोधपुर में एक तमिल परिवार में हुआ था, इसीलिए उन्होंने बचपन में ही क्लासिकल डांस सीखना शुरू कर दिया और सिर्फ 10 साल की उम्र तक वे भरतनाट्यम में एक्सपर्ट हो गई और फिर आगे चलकर इसी में करियर बनाने की सोचने लगी। लेकिन मिताली बचपन से ही बहुत आलसी थी, इसीलिए उनके पिता ने उन्हें एक्टिव बनाने के लिए डांस के साथ साथ क्रिकेट की ट्रेनिंग दिलवानी शुरू कर दी। लेकिन आगे चलकर डांस और क्रिकेट दोनों में ध्यान केंद्रित करना बहुत मुश्किल हो रहा था, इसीलिए उनकी डांस टीचर ने उन्हें किसी एक में आगे बढ़ने को कहा और तब मिताली ने क्रिकेट को चुन लिया। मिताली के कोच संपत कुमार ने भी उन्हें आगे बढ़ाने के लिए उनसे कड़ी मेहनत कराई। गर्मी हो या फिर बरसात, मिताली को अभ्यास के लिए डेली जाना होता था। उनके माता पिता ने भी उन्हें पूरी तरह से प्रोत्साहित किया और हर तरह से सहायता की। बहुत ही जल्द मिताली की प्रतिभा उभर कर सामने आई और सिर्फ 17 साल में उनका सिलेक्शन भारतीय क्रिकेट टीम में कर लिया गया। 1999 में मिताली ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कैरियर में शुरुआत की और अपने डेब्यू मैच में ही उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ नाबाद 114 रनों की पारी खेली। जनवरी 2002 में उन्होंने इंग्लैंड के विरुद्ध टेस्ट डेब्यू किया, लेकिन दुर्भाग्य से वे 0 रन पर आउट हो गईं। हालांकि तीसरे ही टेस्ट में जबरदस्त वापसी करते हुए उन्होंने 214 रनों की अद्भुत पारी खेली और ऑस्ट्रेलिया के करन रोल्टन के 209 रनों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए शानदार 214 रन बनाई और एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। आगे चलकर उनके शानदार प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें महिला टीम की कप्तानी सौंपी गई और फिर उन्होंने 2005 विश्व कप में अपनी टीम को फाइनल तक पहुंचाया, लेकिन टाइफाइड के कारण वह फाइनल मैच नहीं खेल सकी, जिससे उनकी टीम को हार का सामना करना पड़ा। 5 अगस्त 2006 को मिताली ने इंग्लैंड के खिलाफ अपना T20 डेब्यू भी किया। फरवरी 2017 में वह दूसरी ऐसी खिलाड़ी बनी जिन्होंने 5,500 से ज़्यादा रनों की पारी खेली। अभी तक मिताली 10 टेस्ट, 180 ODI और 63 T20 मैच खेल चुकी हैं और वह राइट हैंड बैटिंग के अलावा लेग ब्रेक बॉलिंग भी करती हैं। 2003 के उपलब्धियों के लिए 22 वर्षीय मिताली राज को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 2015 में उन्हें भारत का चौथा उच्चतम नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो मिताली ने अभी तक शादी नहीं की है। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि वह अभी क्रिकेट में फोकस करना चाहती हैं। दोस्तों, जहां हमारे देश में पुरुष क्रिकेटर्स की उपलब्धियों का खूब बखान किया जाता है, वहीं भारतीय महिला क्रिकेटर्स की उपलब्धियों की चर्चा दबकर रह जाती है। अंत में बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे देश की महिला खिलाड़ी भी किसी से कम नहीं है। अगर उन्हें पुरुष क्रिकेटर्स की तरह ही प्यार और सम्मान मिले तो वे कुछ भी करने में सक्षम हैं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।